हाई हेलो टू एवं दिस इज़ कवी शायस एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिज़र्वेशन बिल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है हरियाणाज़ रिजर्वेशन लॉ बट ऑफकोर्स आई मस्ट टेल यू कि ये जो टॉपिक है ना वो पूरा इंडिया का टॉपिक है क्योंकि हर एक वो स्टेट जो कि रिज़र्वेशन देना चाहता है वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम से गुजरता है और उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बट डिस्कस करने से पहले आई वन आ टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्म की कवीश आई एस अपना फ्लैगसिप प्रोग्राम जो कि एंसर मीन्स राइटिंग सीरीज जो है उसको लेकर के आ रहा है कब से लेकर के आ रहा है फर्स्ट दिसंबर से लेकर आ रहा है ना जो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है उसमें आपको कॉल करना है आपको फर्दर इंफॉर्मेशन उसके लिए ले, ले लेना है क्योंकि दस महीने बचे हुए हैं टू का अगर मैं बात करूँ मीन्स का तो ये जो टेन मंथ होगा ना वो आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है ये आंसर राइटिंग से ना ही सिर्फ आपका प्रिलम्स में मदद मिले बट ऑफ कोस आपको लिखने का जो मेन आदत होता है ना वो बन जाएगा जिससे कि ये एग्जामिनेशन आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं पूरे ईस्ट इंडिया में अगर बात की जाए ना आई डोंट थिंक कि कवि जैसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम दे सकता है सो कॉल ऑन दिस नंबर टॉक टू आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड इन इन टू प्रोग्राम Now, अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर ये टॉपिक जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाई कोर्ट ने क्या किया जो हरियाणा का रिजर्वेशन बिल है उसको स्क्वास कर दिया उसको निरस्त कर दिया नौ दो में क्या हुआ था हरियाणा ने एक लॉ पास किया जिसमें कि सेवेंटी रिजर्वेशन अपने लोकल रेसिडेंट को दे दिया प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में अगर उसकी मंथली सैलरी तीस हजार से कम है तो नाउ ये लॉ जो है वो इफेक्ट में आ गया जनवरी 2021 में ऑल प्राइवेट इंटिटीज जिसके दस या उससे ज्यादा हैं, उन्हें लॉ लॉ को को पालन पालन करना करना होगा। तो करना होगा, तो अगर नहीं करेंगे तो उसको भी तो लाख तक का फाइन रखा गया कुछ भी कि अगर स्किल का आदमी नहीं मिल रहा है या फिर क्वालिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है तो आपको एग्जाम किया जा सकता है इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे इस तरह से ये सारे जो लॉ है ना वो असल में प्राइवेट कंपनीज़ को डिटर करता है कि वो आपके स्टेट में कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करें समझेंगे लेकिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ लेते हैं कि ये कानून पास करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे देखिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारा आर्टिकल 19 क्या बोलता है आर्टिकल 19 हमारा राइट टू फ्रीडम है और राइट टू फ्रीडम के अंदर बहुत सारे फर्दर पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत सारे फ्रीडम देते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास राइट टू असेंबल है मतलब आप एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं उसके साथ साथ आपके पास राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है यानी कि आप ग्रुप बना सकते हैं आप कॉपरेटिव बना सकते हैं राइट टू मूवमेंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप एक जगह से एक राज्य से दूसरे जगह आप जा सकते हैं आप कहीं पर भी इस देश में मूव कर सकते हैं हालांकि कहीं पर भी नहीं ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि मैं जाऊंगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जहां पर शॉम्पिन और जारवा ट्राइब रहते हैं मैं वहीं पर रहूंगा नो आप वो नहीं कर सकते हैं कुछ कुछ रीजन में आप नहीं जा सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द रीज़न में आप क्या कर सकते हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं तो आपके पास क्या है राइट टू मूवमेंट है उसके बाद आपको राइट टू रेसिडेंस है एंड राइट टू प्रोफेशन है ये इंपॉर्टेंट यहीं से मैं इस लॉ को चैलेंज करने के लिए पॉइंट रखना चाहता हूं यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कि आपको का राइट right है मतलब कि अगर आप बिहार से रह रहे हैं तो आप जाकर के हरियाणा में रह सकते हैं ये आपको संविधान अधिकार देता है right to profession भी है राइट टू प्रोफेशन भी यानी कि आप हरियाणा में जाके काम कर सकते हैं लेकिन ये जो कानून आया है जिसमें कि पचहत्तर परसेंट रिजर्वेशन कर दिया गया है वो तो इस आर्टिकल को क्या कर रहा है वायलेट कर रहा है और यह हमारा एक फंडामेंटल राइट right है और उसके साथ साथ बेसिक स्ट्रक्चर है तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता है उसके साथ साथ आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी की बात करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये जो नया कानून है इस आर्टिकल को भी वायलेट कर रहा है कि कानून के नजरिए में लोगों को इक्वल नहीं देखा जा रहा है उसके साथ साथ आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा देश में कॉमन सिटीजनशिप है अब सिटीजनशिप का आर्टिकल अगर मैं बोलूँ तो आर्टिकल फाइव से लेकर के देखिए मैं आर्टिकल इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि आर्टिकल आपको याद रखना जरूरी है प्रिलिम्स परस्पेक्टिव से मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो प्रिलिम्स और मीन्स दोनों को लेकर के चलता हूँ क्योंकि कोई एक टॉपिक जो है ना उसका कहीं ना कहीं मेंस और प्रिलिम्स से रिलेशन रहता ही है और बहुत ही अच्छा तरीका है रिवाइज़ करने का तो आर्टिकल फाइव जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है आर्टिकल एलेवन जो है वो पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड वो कुछ भी चेंज कर सके तो हमारा जो सिटीजनशिप है ना वो कॉमन सिटीजनशिप है आप क्या कर रहे हैं डोमिसाइल के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं अब देखिए जैसे डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट आ गया तो आर्टिकल कौन सा लेंगे आप आर्टिकल फिफ्टीन आर्टिकल फिफ्टीन ये कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट तो यहाँ पर तो ये जो नया कानून है जो पचहत्तर क्या कर रहा है रिजर्वेशन दे रहा है वो तो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो ये सारे जो हैं मुद्दे वो चैलेंज करते हैं जो नया कानून पेश किया गया था हरियाणा स्टेट के द्वारा लेकिन ऑफकोर्स हरियाणा स्टेट भी बहुत सारे अपने पॉइंट रखेगा कि क्यों स्टेट ने इस तरह का लॉ पास किया तो स्टेट का जस्टिफिकेशन देख लेते हैं स्टेट का जस्टिफिकेशन बहुत ही ईजी है कि वो लाइवलीहुड राइट जो है ना अपने स्टेट के लोगों को उसको देना चाहता है देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा है और अगर अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह से बढ़ते रहेगा तो वहाँ के लोग क्या करेंगे उस सरकार को हटा देंगे क्योंकि बेरोजगारी रहेगी उनके पास पैसे नहीं रहेंगे तो इस बेरोजगारी को कम करने का जो उपाय स्टेट गवर्नमेंट ने खोजा वो पचहत्तर परसेंट किया था रिजर्वेशन था हालांकि मैं आपको एक दूसरा नज़रिया दिखाना चाहूँगा कि अगर आप जब रिजर्वेशन सेवेंटी कर देते हैं तो प्राइवेट कंपनी जो है ना वो क्या करते हैं डिटर करते हैं आप क्या कर रहे हैं कि इंस्पेक्टर राज या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो ज़्यादा कंट्रोल अब कर पाएगा कोई भी प्राइवेट सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर कभी भी ये नहीं चाहता है ना कि वो ज्यादा कंट्रोल में रहे तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा ऐसे स्टेट खोजेगा जहां पर इतना स्ट्रिक्ट लॉज नहीं होंगे मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाना चाहता हूं मान लीजिए हम लोग झारखंड का एग्जाम्पल लेते हैं जानते हैं झारखंड में ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज क्यों नहीं आती हैं क्योंकि यहां पर जो लैंड लॉज है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कोई भी प्राइवेट कंपनीज को अगर बहुत बड़ा लैंड लेना है तो इतना आसान नहीं होगा इसीलिए प्राइवेट कंपनी इतना झंझट में फंसना ही नहीं चाहती है वो कहाँ चल जाती है गुजरात चल जाती है जहां पर लैंड लॉ जो है वो उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है उसी तरह से अगर आप इस तरह के कानून थोपेंगे प्राइवेट कंपनीज के ऊपर तो प्राइवेट कंपनी क्या कर सकते हैं वहां पर स्टार्ट ही नहीं करेंगे काम बोलेंगे कि नहीं नहीं हमारे ऊपर तो इतना ज्यादा आप प्रेशर दे रहे हैं कि आप इन्हीं लोगों को रखेंगे हो सकता है वो लोग जो होंगे उतने स्किल्ड नहीं होंगे बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए और ज्यादा बिजनेसेस आएंगे ही नहीं और अनएम्प्लयमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा ना उसके साथ साथ स्टेट क्या कर रहा है आर्टिकल सिक्सटीन फोर देखिए मोस्ट ऑफ द जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो इसी आर्टिकल का सहारा लेते हैं आर्टिकल सिक्सटीन फोर आर्टिकल सिक्सटीन फोर क्या है राइट टू अपॉर्चुनिटी के अंदर जो रिजर्वेशन वाला क्लॉज है वो आता है तो आर्टिकल सिक्सटीन फोर में अगर कोई भी ऐसा समाज जो कि अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं हुआ है उसके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया जा सकता है तो ये पॉइंट को लेकर के स्टेट कह रहा है क्योंकि यहां पर अंडर रिप्रेजेंटेड क्लासेस जो हैं उनका जो मात्रा है वो ज्यादा बढ़ गया है दैट्स वाई वो इस तरह के कानून ला रहे हैं जिससे कि उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो और ज्यादा बेहतर हो सके तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेट का जस्टिफिकेशन क्या है ना बहुत सारे अदर स्टेट जो है ना वो भी इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं चाहे मैं आ, आपका महाराष्ट्र की बात करूँ चाहे मध्य प्रदेश की बात करूँ चाहे आंध्र प्रदेश की बात करूँ वहाँ पर भी जो कानून है जो उन्होंने पास किया था वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस में फंस चुका है वो भी जो लॉ है वो पेंडिंग है अभी तो बहुत सारे स्टेट जो है ना वो चाहते हैं अपने लोगों को वो एम्प्लयमेंट देना लेकिन कहीं ना कहीं कंस्टिट्यूशन उसमें आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पंजाब और हाई कोर्ट ने क्या किया था क्वास्ट कर दिया था बोला था कि ये लॉ जो है वो अनकन्स्टिट्यूशनल है उसके लिए बहुत सारे उन्होंने रूलिंग भी दिए अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये बहुत ही जल्दीबाजी में लिया गया डिसीजन था हाई कोर्ट के द्वारा लेकिन उसके बाद फिर जो स्टे लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्टे लगा दिया था इसके ऊपर लेकिन फिर उसने क्या किया ये को हटा दिया और कहा कि ये बहुत ही जल्दी बाजी में लिया गया डिसीजन है लेकिन हमें वो भी पॉइंट तो समझना पड़ेगा कि हाई कोर्ट ने ये रूलिंग क्यों दिया तो उसको समझ लेते हैं मैंने आपको आर्टिकल 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 19 19 के बारे में बताया था Article 19, Article 14 भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके साथ साथ आर्टिकल थर्टी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल थर्टी क्या करता है ना एक्सक्लूसिव राइट देता है कि ये जो राइट right है रिजर्वेशन वाला वो आर्टिकल सिक्सटीन थ्री के तहत सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली अंडर सेंटर गवर्नमेंट है ना कि ये स्टेट गवर्नमेंट है तो हाई कोर्ट ने यह कहा कि ये जो लॉ है वो सेंटर ही बनाएगा ना कि स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा उसके साथ साथ ये जो कानून था ना उसमें दो सेक्शन सेक्शन और और वो क्या कर रहा रहा है है स्टेट कंट्रोल को ज़्यादा बढ़ा रहा है। मैंने इसके ऊपर लेंथ एंड में अभी आपसे बात किया कि स्टेट कंट्रोल जहां होगा वहां पर क्या होगा कि कम से कम प्राइवेट कंपनीज आएंगे और यही चीज हाईकोर्ट भी कह रहा था कि स्टेट कंट्रोल एक्सेस हो रहा है इससे तो आप इंस्पेक्टर राज जो पहले चला करता था उसके तरफ जा रहे हैं जबकि ये जो समय है वो प्राइवेटाइजेशन का, का, का प्राइवेट कोशिश करेंगे इससे एक एडवर्स इफेक्ट पैदा होगा जो इस स्टेट के अनुकूल नहीं होगा दीज आर वो हर एक स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं फेस करते हैं इंपॉर्टेंट यहां से है आर्टिकल 14, 15, 16, 19 ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 35 भी इंपॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव से। सो इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आया होगा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हैं? वो भी समझ में आए होंगे दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू